Good morning students, I am Priya, your science teacher. Today we are going to discuss the chapter number 9, parts of our body, our teeth. For this we have to first open Google Chrome. यहाँ हम टाइप करेंगे ऑक्सफोर्ड एडवांटेज, देन लॉगिन नेम एंड पासवर्ड. आप सबके पास अपनी लॉगिन आईडी है, मैं यहाँ अपनी लॉगिन आईडी टाइप कर रही हूँ. देन साइन इन. Now we have to choose the class, class 3rd. These are the books of class 3rd. हम साइंस पे जाएंगे क्योंकि हमें साइंस पढ़ना है. Now you have lesson plans जिसमें आपके चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है कि आप कौन से दिन कितना चैप्टर पढ़ेंगे, क्या क्या प्लान्स होंगे आपके लेसन को कवर अप करने के लिए. लर्निंग रिसोर्सेज, हर चैप्टर में आपको लर्निंग रिसोर्सेज मिलेंगे, इन विच सम आर इंटरएक्टिविटीज़, सम आर एनिमेशन वीडियोज, जिससे आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो जाएगी. क्वेश्चन बैंक, हर चैप्टर से रिलेटेड हर टाइप का क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में सेव होता है. टेस्ट, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप जब चैप्टर का टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो वो टेस्ट यहाँ होता है. एंड हियर इज माय बुक. हमें चैप्टर रीड करना है तो हम कहाँ जाएंगे, माय बुक में. यहाँ पे हमें चाहिए चैप्टर नंबर 9, पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी अवर टीथ. चैप्टर 9, पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी अवर टीथ. Ronnie is a 7-year-old boy who is crying because his tooth fell off. He is sad and worried about how he will eat his food. Here is a boy named Ronnie और वो रो रहा है. बिकॉज क्यों? क्योंकि उसका जो टूथ है वो फॉल ऑफ हो गया, उसका जो टीथ है वो फॉल ऑफ हो गया है, टूट गया है. अब उसे टेंशन है कि अब वो खाना कैसे खाएगा. आप सब भी बच्चे हो, रोनी के एज के ही हो, आपके भी टीथ टूटते होंगे. और क्या आपको कभी ये टेंशन हुई है कि अगर आपका दांत टूट गया तो आप खाना कैसे खाओगे? आपके पास और दांत भी हैं, एक दांत टूटने से क्या होगा, बट ये जो टीथ है ये वापस ग्रो हो जाते हैं. कैसे, वही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. द बिग आइडिया, टीथ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी एंड वी शुड टेक गुड केयर ऑफ देम. टीथ हमारी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हमें टीथ के अच्छे से टेक केयर करनी चाहिए. थिंग्स टू लर्न, आप इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, सीखेंगे. सेट्स ऑफ टीथ, हमारे माउथ में कितने सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, उनमें कितने नंबर ऑफ टीथ्स होते हैं. टाइप ऑफ टीथ्स, वी हैव 4 टाइप ऑफ टीथ्स. कौन कौन से और कितने कितने नंबर ऑफ टीथ उनमें प्रेजेंट होते हैं ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. टेकिंग केयर ऑफ अवर टीथ, हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ अवर टीथ, वो भी सारे स्टेप्स हम इस चैप्टर में रीड आउट. सेट्स ऑफ टीथ, चिल्ड्रन हैव अ सेट ऑफ 20 टीथ. चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास 20 टीथ का एक सेट होता है. These teeth are called milk teeth. इन teeth को कहते हैं milk teeth. Since they fall off at a very young age, they are also called temporary teeth. These milk teeth, ये बहुत ही young age पे, बहुत छोटी age में fall off हो जाते हैं. Therefore, they are called as temporary teeth. Temporary का मतलब होता है जो कुछ समय के लिए रहे. Temporary teeth start falling off as by the age of 6. जब आप 6 years के होते हो उस टाइम पे आपके टेम्प्ररी टीथ फॉल ऑफ होना स्टार्ट हो जाते हैं. दीज टीथ आर रिप्लेस्ड बाय अनदर सेट ऑफ टीथ विच स्टे फॉर लाइफ. जब टेम्प्ररी टीथ फॉल ऑफ होते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई और टीथ आते ही नहीं है. ये जो टेम्प्ररी टीथ हैं, ऑल जितने भी सारे टेम्प्ररी टीथ हैं, दे आर रिप्लेस्ड बाय अनदर सेट ऑफ टीथ विच स्टे फॉर लाइफ. और वो जो दूसरा सेट आता है टीथ का वो लाइफ टाइम रहता है. देयरफॉर दे आर कॉल्ड परमानेंट टीथ.
An adult human being has a set of 32 permanent teeth. जो एक adult human being होता है उसके पास 32 teeth का permanent set होता है. ये देखिए temporary teeth, इसमें कितने teeth होते हैं 20, and it is permanent teeth, इसमें कितने होते हैं 32. Types of teeth. We have different type of teeth in our mouth. If we look into the mirror, we can see some white color hard structure inside our mouth. अगर हम अपने mouth को खोल के mirror में देखें तो हमें white color के कुछ structures दिखाई देंगे हमारे mouth के अंदर. These white structures are our teeth. और ये white structures क्या हैं? हमारे teeth हैं. Our mouth has different kinds of teeth that help us to bite and chew food. हमारे mouth में different kind के teeth हैं जो हमें food को bite और chew करने में help करते हैं. फर्स्ट काइंड इज ऑफ इंसाइजर्स. सबसे पहला टाइप है टीथ का इंसाइजर्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड बाइटिंग टीथ एंड हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग द फूड. इंसीजर्स जो हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बाइटिंग टीथ. इन्हें बाइटिंग टीथ भी बोलते हैं और ये हेल्प करते हैं हमारे फूड को कट करने में और बाइट करने में. दे आर 18 नंबर. इंसीजर्स कितने होते हैं 18 नंबर. फोर इन द अपर एंड फोर इन द लोअर जॉ. नाउ व्हाट इज जॉ? अपर जॉ एंड लोअर जॉ. जब आप माउथ ओपन करते हो जॉ का मीन्स होता है अपर पोर. तो माउथ के दो पोर्शन होते हैं, एक अपर और एक ऐसे ही नीचे होगा. उसमें भी सेम काइंड से ऐसे टीथ होंगे. सो दिस इज अपर जॉ एंड दिस इज लोअर जॉ. ओके, फोर इन द अपर जॉ एंड फोर इन द लोअर जॉ. तो ये जो मिडल वाले फोर टीथ होते हैं दे आर इंसीजर्स. और ऐसे ही नीचे की तरफ भी जो फोर टीथ होंगे वो क्या होंगे? इंसीजर्स होंगे. सो टोटल इंसीजर्स आर 18 नंबर्स. नेक्स्ट इज कैनिन्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेयरिंग टीथ. कैनिन का सेकेंड नेम होता है टेयरिंग टीथ. दे आर शार्प टीथ एंड आर यूज फॉर टीयरिंग फूड. कैनिन जो हैं वो शार्प टीथ होते हैं और फूड को टीयर करने में हेल्प करते हैं. कैनिन्स आर फोर इन नंबर्स. कैनिन कितने होते हैं? दे आर फोर इन नंबर्स. टू आर प्रेजेंट इन द अपर जॉ एंड टू आर प्रेजेंट इन द लोअर जॉ. इंसाइजर्स के ऑन द आइदर साइड ऑफ द इंसाइजर देयर इज वन कैनिन. सो टू इन द अपर जॉ एंड टू इन द लोअर जॉ. Carnivores such as dog, lions and tigers have very sharp and strong canine. Carnivores आप पढ़ चुके हैं previous chapter में. Carnivores the animal who eat the other animal, who eat the flesh of other animal, or they are also called as the flesh eating animals. So the carnivores have sharp and strong canine because carnivore have to tear the flesh of the animals. So therefore they have sharp and strong canine. नेक्स्ट टाइप इज प्री मोलर. दीज आर ब्रॉड. प्री मोलर जो हैं वो ब्रॉड होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं एंड फ्लैट टीथ दैट हेल्प टू क्रश एंड च्यू फूड. जो फूड को च्यू करने में चबाने में हेल्प करते हैं. दे आर 18 नंबर्स. प्री मोलर्स कितने होते हैं? 18 नंबर्स. फोर आर प्रेजेंट इन द अपर जॉ एंड फोर आर प्रेजेंट इन द लोअर जॉ. कैनिन के बाद दोनों साइड दो दो प्री मोलर्स प्रेजेंट होते हैं. सो टोटल दे आर फोर इन द अपर जॉ एंड फोर इन द लोअर जॉ. नेक्स्ट काइंड इज मोलर्स. दीज आर बिगर एंड फ्लैटर टीथ देन प्री मोलर्स. मोलर्स जो हैं वो और बिगर हैं और फ्लैटर टीथ हैं इन कंपेरिजन टू प्री मोलर्स. दीज प्रोवाइड अ बिगर सर्फेस एरिया फॉर च्यूविंग एंड ग्राइंडिंग द फूड. मोलर जो है वो ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फूड को च्यू करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए. देयर आर 12 मोलर इन द माउथ ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बींग. मोलर कितने होते हैं? 12. 8 मोलर्स आर प्रेजेंट इन एन एडल्ट एंड 4 मोलर्स ग्रो लेटर एंड आर कॉल्ड विजडम टीथ. एक एडल्ट ह्यूमन बींग में 12 में से 8 मोलर प्रेजेंट होते हैं बट द रिमेनिंग 4 मोलर्स ग्रो लेटर. वो जो बचे हुए 4 मोलर टीथ हैं वो बाद में ग्रो करते हैं. देयरफॉर दे आर कॉल्ड विजडम टीथ. माउथ के बिल्कुल अंदर की तरफ
There are four molars on the either side, so total 8 molars in the upper jaw and 8 in the lower jaw. Herbivores such as cow, buffaloes and goat have better developed molar because the parts of plant require more chewing for digestion. जो herbivores होते हैं उनके molars काफ़ी ज़्यादा developed होते हैं क्योंकि उन्हें plant parts eat करते हैं herbivores, और plant part को chew करने के लिए ज़्यादा time चाहिए होता है, उन्हें digest करने के लिए ज़्यादा chewing की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए herbivore have better developed molar teeth. Thus we have 8 incisors, 4 canines, 8 premolars and 12 molar. Total 32 teeth. Taking care of our teeth. Food particles can form a sticky yellow layer on the teeth. जो food particles आप eat करते हो उससे एक sticky और yellow layer बन सकती है teeth पे. This yellow layer is called plaque. प्लैग विल कॉज जर्म्स टू ग्रो, और प्लैग की वजह से टीथ पे जर्म्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं. इफ़ वी डू नॉट कीप अवर टीथ क्लीन, दीज जर्म्स कैन डैमेज अवर टीथ एंड फॉर्म होल्स कॉल्ड कैविटी. अगर ये जर्म्स ग्रो करते रहें तो टीथ में होल्स बन जाते हैं एंड दीज होल्स आर कॉल्ड एज कैविटी. सी इन दिस पिक्चर, कैविटीज ऑन टीथ ऐसे हो जाएंगे आपके टीथ अगर आप अपने टीथ का अच्छे से टेक केयर नहीं करेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर अवर टीथ प्रॉपरली. There are several ways which help to keep our teeth healthy for a long time. We should brush our teeth with a toothbrush and a toothpaste at least twice a day, once in the morning and once at a night. हमारे teeth को brush करना चाहिए with a toothbrush and a toothpaste twice a day. दिन में दो बार, one in the morning and once at the night. Brush your teeth in the downward direction. डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी टीथ को ब्रश करना चाहिए. मूव योर ब्रश इन अ सर्कुलर मोशन, ब्रश को सर्कुलर मोशन में मूव करना चाहिए वाइल ब्रशिंग द फ्रंट पार्ट ऑफ द मोलर एंड प्री मोलर्स. ब्रश द फ्लैट पार्ट ऑफ द मोलर एंड प्री मोलर टू रिमूव द फूड पार्टिकल दैट गेट स्टक ऑन द टॉप ऑफ द टीथ. जो मोलर्स और प्री मोलर्स का फ्लैट पार्ट है वहाँ भी ब्रश करना चाहिए बिकॉज मोलर और प्री मोलर्स में ही फूड की ज़्यादा च्यूविंग होती है जिसकी वजह से फूड पार्टिकल का वहाँ स्टक होने के चांसेस होते हैं. यूज़ अ टंग क्लीनर टू क्लीन योर टंग. यू कैन ऑल्सो ब्रश योर टंग लाइटली विद अ वेट टूथ ब्रश. रिंस योर माउथ वेल. ईट फूड आइटम्स सच एज मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट टू मेक योर टीथ स्ट्रॉन्ग. मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ईट करने चाहिए टू मेक योर टीथ स्ट्रॉन्ग. We should avoid eating foods rich in sugar such as sweet, candies, chocolate, juices and cold drink. वो food item जिनमें ज़्यादा sugar present होती है, for example sweets, candies, chocolate, juices, cold drinks, वो सब आपको avoid करने चाहिए. We should always rinse our mouth well with water after every meal. We should visit the dentist. Here is a new term, dentist. What is dentist? Dentist is a person who treats your disease related to your teeth. आपके teeth के साथ जो भी disease हो जाए, अगर cavities हो जाती हैं आपको, तो वो dentist ठीक करता है. So basically dentist is a doctor of teeth. To check your cavities. If we do not take proper care of our teeth, we may lose our teeth early. Did you know in older times people use neem stick to brush their teeth? पहले के टाइम में जो ह्यूमन बींग थे वो नीम स्टिक का यूज़ करते थे अपने टीथ को ब्रश करने के लिए. नीम हैज़ मेडिसिनल क्वालिटीज़ टू किल जर्म विच ग्रो इन अवर माउथ. नीम के अंदर मेडिसिनल क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो जर्म्स को किल कर देता है. दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू.